नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स एडू में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंतज़ार काफ़ी समय से एक लंबा इंतज़ार खत्म हो गया है। पीआरटी का केंद्रीय विद्यालय संगठन ने आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है नॉर्मलाइजेशन के बाद, जिसमें जो कट ऑफ आपकी है उसमें आप देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये जनरल की कट ऑफ 135.0913 है, ईडब्ल्यूएस 127.646 है, ओबीसी का 127.24 है और एससी का जो कट ऑफ है 121.66 है और एसटी की 103.31 है और साथ में जो फिर पीएच कैटेगरी 118 और 110 इसका कट ऑफ गया है। और पाँच नवंबर आपके ये इंटरव्यू का डेट शुरू हो चुका है। तो अपने इंटरव्यू की तैयारी करिए अच्छे से। धन्यवाद। और जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या कौन कौन उसमें पास हुआ है। तो जो भी पास हुए हैं उन सभी के लिए शुभकामनाएं, और जो रिज़ल्ट को पास नहीं, कट ऑफ पार नहीं कर पाए हैं, वो अपना हौसला ना हारे, आने वाले आगामी परीक्षाओं की तैयारी करिएगा। अभी डीएसएसबी में भी फिर से पीआरटी वगैरह की वैकेंसी आ जाएगी, एमसीडी में भी आने वाली होगी और केंद्रीय विद्यालय में भी दोबारा आ जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई एक बार कहीं पर असफलता मिली है तो उसके बाद आगे काम नहीं करना है। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है, आगे बढ़ते रहिएगा, एक ना एक दिन ज़रूर आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो जो जो विद्यार्थी सफल हुए आज पहला चरण पार कर दिया है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।